एक समुद्री खोज के दौरान एक नवा जीव मिला है। ये दिखने में भले ही आपको केला लग रहा हो, पर ये केला नहीं है। दरअसल ये एक प्रकार का जीव है जो कि समुद्र में पाया गया है। एक बार देखने में तो यही लगता है कि ये शायद केला है, पर गाइस ये केला नहीं है, ये एक समुद्री जीव है। पर जैसे इस जीव की बनावट है वैसे तो लग रहा है कि ये केला ही है। तो गाइस ये पीले रंग का एक ककुम्बर है जिसे चिपचिपी गिलहरी भी कहा जाता है। समुद्र में इस सी ककुम्बर की कई प्रजातियां मिली है। गोल्डन एंड बैटी मोर फाउंडेशन एंड नो इस डिस्कवर में 48 से 50 ऐसे डिफरेंट प्रजातियां का पता चला है, और इनमें से 40 ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तक एस्ट्रोनॉट और विज्ञान के लिए अनजान थी। यह डिस्कवर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूके यानी कि लंदन से जुड़ी हुई है, और यह इलाका मध्य प्रशांत यानी कि हवाई मेक्सिको के बीच में है। लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे जीव की फोटो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इस जीव का नाम ककुम्बर है, जो कि आपको जीव कम केला ज्यादा दिख रहा होगा। दो सर तीन आंख मोटा भद्दा सांप जैसा दिखने वाला ये जीव सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस जीव की फोटो सीधा FB पर मिली है जो कि स्पेन से रिलेटेड है। लुजान रोल्स नाम की महिला ने इस जीव का वीडियो भी शेयर किया था, और कई लोगों ने अपने आप ही इस जीव का नाम गैस करने लगे। किसी ने इसे पोकोमेन बताया है, किसी ने स्नैक, तो किसी ने रैटल स्नैक कहा है। हालांकि दरअसल में ये कैटरपिलर है। जरा आप भी एक बार इसे ध्यान से देखिए, यह जीव कैटरपिलर है और दूसरी तरफ से ये सांप दिख रहा है ना गाइस। अभी तो आपने केवल दो दो सर वाले कैटरपिलर को देखा है, इससे भी कहीं गुना अजीब खतरनाक जीव शामिल है हमारे इस धरती पे। दुनिया भर में जितने भी अजीबोगरीब जीव मिलते हैं, अगर वो समुद्री जीव है तो ज्यादातर वो प्रशांत महासागर के एरिया में मिलते हैं, और अगर वो जंगल वाला जीव है तो अफ्रीका। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अफ्रीका का जंगल कितना बड़ा है, और उससे भी बड़ा है अमेजोन का जंगल। मेरे हिसाब से ये तो आपको पता ही होगा कि अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दुनिया भर का 70% ऑक्सीजन इस अमेजोन जंगल से ही आता है। और दूसरी ओर इन जंगलों में कई प्रकार के भांति भांति जीव मिलते हैं जिनको पहली बार देखा जाता है, और इन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि उन्होंने आखिर क्या देख लिया। 20 इंच लंबे इस ऑक्टोपस का पूरा शरीर पारदर्शी है सिवाय इसके पाचन तंत्र के। गाइस आपको पता है ऐसे जीव खुद को पारदर्शी बना लेना ठीक वैसे ही जैसे खतरा दिखने पर कोई जीव अपना रंग बदलता है। गाइस आपको पता है खास तौर पर समुद्री जीवों को अपने बचाए रखने के लिए दो तरीके होते हैं, या फिर तीन। पहली बात तो ये खुद को अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने आसपास के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे पत्थरों में रहने वाले जीव और घास में रहने वाले जीव पत्थरों की तरह और घास की तरह खुद को शरीर में बदलाव कर लेते हैं, और दूसरा अपने आप को इस मुताबिक ढाल लेते हैं जिनके शरीर से प्रकाश के कण आर पार हो जाते हैं, यानी कि वो पारदर्शी होते हैं। और इनका आखिरी तरीका है जो कि तीसरा, जो कि काफ़ी अनोखा है। आपको पता है ये समुद्री जीव सरवाइव करने के लिए दो पैतरा तो अजमाते ही हैं, पर तीसरा ये होती है जंग, और जो इस समुंदर में ताकतवर और खुखार होता है वही होता है राजा, और वही जीतता है और वही सरवाइव कर पाता है अपनी लाइफ को। और इसी प्रकार समुद्री जीव अपने आप को बचाए रखते हैं। गाइस जो आप ऑक्टोपस देख रहे हैं, इस ऑक्टोपस का नाम ग्लास ऑक्टोपस है। वैसे तो इससे कई अलग अलग जीव हैं जो लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं, इसके साथ ही साथ दुर्लभ भी होते हैं, और यहाँ तक ये जीव भी प्रशांत महासागर में ही पाया गया है। ऐसे जीव बहुत ही कमी मिलते हैं देखने को जो कि समुद्र के बेहद गहराई में पाया जाता है। यह ऑक्टोपस बहुत ही रेयर है। तो गाइस कैसा लगा ये ऑक्टोपस आपको? इस ऑक्टोपस के टैलेंट पे एक लाइक तो बनता है, जिसको लगता है फुर्सत से बनाया गया है। प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों को अब कुछ ऐसा मिल गया है जिसके बारे में और इसको इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। गाइस जरा देखो, इस दुर्लभ जीव का बॉडी 9 से 10 फीट का है, जिसमें से लंबी सी एक पूंछ भी निकली हुई है। दूसरी तरफ ढेर सारा सूंड भी निकला हुआ है। वैज्ञानिक भी ये हैरान है कि उन्होंने समुंदर में से क्या खोज निकाला। इस जीव की पूरी लंबाई तकरीबन 9 फीट है, जबकि इसका सूंड तकरीबन 16 इंच का है। सूंड ऐसे निकलते हैं जैसे कि मानो ये सूंड नहीं कुछ डरावनी चीजें हों, और यहाँ तक ये जीव समुंदर में अपने सूंड से ही खाता है। क्या आपने कभी देखा है क्या ऐसा जीव? और ये जीव भी प्रशांत महासागर में मिला है तकरीबन 10,000 फीट की गहराई में। वैज्ञानिकों को ऐसी कई नई प्रजातियां मिल रही हैं जिनके बारे में हम क्या आप भी नहीं जानते हैं, और वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। हमारे दुनिया के कोने कोने में ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। आपने कभी 8 पैरों वाला पंछी देखा है क्या, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंट पंछी जिनके 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा पैर हो? गाइस क्या आपने कभी देखा है ऐसा पंछी? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तस्वीर में चिड़िया के 2 नहीं बल्कि 8 पैर हैं। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है, और शायद आप भी देख के हैरानी हो गए होंगे। और मेरे हिसाब से आपने इस चिड़िया का तस्वीर पहली बार देखा होगा जिसके 2 नहीं 8 पैर हैं। और गाइस अगर इसको आपको देखना है अपनी आंखों से तो आपको अफ्रीका का वीजा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के अद्भुत जीव अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। पर गाइस अफ्रीका जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं।
जैसा कि बता दें, इस पंछी का नाम अफ्रीकन जकाना है, अफ्रीकन जकाना। और इन पंछी की पहचान इनको पैरों से की जाती है। पैर लंबे होते हैं, कई भागों में बटे होते हैं और इनके जो पंजे होते हैं ये काफी खुलेदार होते हैं, पर एक्चुअली में इनके दो ही पैर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने 8 बोला, तो गाइस देखने में तो 8 लग ही रहे हैं पर इसके दो ही पैर हैं। दरअसल यह पंछी मुर्गी की तरह अपना अंडा सेता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, दूसरे शिकारी पंछियों से बचाए रखता है और अपने पंछियों को दूसरे शिकारियों से बचाए रखने के लिए ये पंछी अपने दोनों पंखों के अंदर अपने बच्चों को एडजस्ट कर लेता है, छुपा लेता है, जिसकी वजह से इन पंछी के जो बच्चे होते हैं इनका सर ऊपर यानी कि इनके माँ के पंखों में छुपा होता है और पैर नीचे होता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि शायद इस पंछी के दो नहीं 8 पैर हों। तो गाइस क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक करते जाएं।